हाय गाइस, वेलकम टू अर्पिता स्पेस। मेरा नाम है अर्पिता और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करें ताकि आप मेरे सारे वीडियोस को देख सकें और उसी के साथ उसी के बगल में दिए हुए बेल आइकन यानी कि घंटी के सिंबल को भी क्लिक करें। आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थानी या गुजराती स्पेशलिटी दाल ढोकली। इसके लिए हमें चाहिए 3/4 कप छिलके वाली हरी मूंग की दाल, 2 छोटे चम्मच चना दाल। मूंग की दाल के साथ चना दाल मिक्स करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। 1/2 कप आटा, ये नॉर्मल गेहूं का आटा है। 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, 1 मीडियम साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ, 7 से 8 लहसुन की कलियां जिनको मैंने इस तरीके से छोटा छोटा काट के रखा हुआ है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, 1 हरी मिर्च जिसको मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया है और 1/2 नींबू का रस। ये थोड़ा सा धनिया पत्ता मैंने लिया हुआ है गार्निशिंग के लिए। इसमें हमें मसाले दाल और ढोकली दोनों के हिसाब से चाहिएंगे, मतलब हम दोनों में ये मसाले मिलाएंगे तो इसलिए हम थोड़े ज़्यादा मसाले लेंगे। तो हम लेंगे 3/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक या फिर नमक स्वादानुसार आप ले लें, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच हींग पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच मीठा सोडा, इससे हमारी ढोकलियाँ थोड़ी सॉफ्ट बनेंगी, और 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए घी 1 बड़ा चम्मच और पानी 4 कप। अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में डालेंगे ये दाल जिसको मैंने अच्छे से 2-3 बार धो के रखा हुआ था। तो ये दाल हमने इसमें डाल दी। इसके बाद इसमें डालेंगे ये 4 कप पानी और अब इसमें ये मसाले मिला देंगे। तो मैं मिला रही हूँ इसमें ये 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक, साथ में इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा घी, 1 छोटा चम्मच घी मैंने इसमें मिलाया है, इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अब मैं इसमें मिलाऊंगी ये टमाटर, थोड़े से टमाटर हम छोड़ देंगे गार्निशिंग के लिए। इसके अंदर ऊपर से डाला हुआ कच्चा टमाटर और प्याज बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये अदरक और अब हम इस कुकर को बंद करके इस दाल को लगभग 3 सीटी तक पकने देंगे। गैस को इस टाइम हमें मीडियम हाई फ्लेम पर रखना है। अब 4 सीटियां आ चुकी हैं तो हम गैस बंद कर देंगे और इस कुकर को ठंडा होने देंगे। अब जब तक ये कुकर ठंडा होता है तब तक हम दूसरी तरफ ढोकलियां बना लेंगे। तो उसके लिए हम एक परात में ये आटा लेंगे और इसके अंदर हमारे सारे सूखे मसाले मिलाएंगे। तो मैं इसमें मिला रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, नमक, चाट मसाला पाउडर। अब इन सबको हम एक बार हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे ये मीठा सोडा और अब आखिर में मैं इसमें मिलाऊंगी ये 1/2 छोटा चम्मच घी। हम इससे हमारे ढोकली के लिए आटा गूंथ लेंगे। तो उसके लिए मैंने पानी को हल्का सा गुनगुना कर लिया है। गुनगुने पानी से हमारी ढोकलियाँ थोड़ी और सॉफ्ट बनेंगी। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1/2 कप पानी लिया है, इसको हम आवश्यकता अनुसार आटा लगाने के लिए यूज करेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से हमें आटा लगाना है जगह हम रोटी के लिए लगाते हैं। धीरे धीरे करके हम इसमें ये पानी मिलाएंगे। तो मैंने लगभग 1/4 कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी यूज किया ये आटा लगाने के लिए। तो अब हमारा मसाले वाला ये आटा बिल्कुल रेडी है। अब हम इससे ढोकलियां बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए इतना एक पोर्शन हम आटे का लेंगे, उसकी एक बॉल बनाएंगे और फिर उसको इस तरीके से दोनों हथेलियों के बीच में रख के और फ्लैट कर लेंगे। इनको थोड़ा सा हम पतला रखेंगे जिससे कि ढोकलियां अंदर तक पक जाएं। अब हम इसके बीच में एक छेद कर देंगे यानी कि एक होल कर देंगे। तो ये बन गई हमारी एक ढोकली। इसी तरीके से हम कुछ और ढोकलियां बना लेंगे। या एक और तरीका है ये ढोकलियां बनाने का, उसके अंदर हमें क्या करना है तो हम लेंगे एक चकला या फिर कोई भी फ्लैट सरफेस और उसको हल्का सा ग्रीस कर देंगे किसी भी चिकनाई से। मैंने यहाँ पे घी यूज किया है, 1-2 ड्रॉप्स घी की मैंने लगाई है इसके ऊपर। ये हमें सिर्फ इसलिए लगाना है जिससे कि जो आटा हमने लगाया है वो इस पे चिपके नहीं। अब हम इस आटे को लेकर इस चकले पर रखेंगे और इसको
नॉर्मल रोटी की तरह बेल देंगे, हमें थोड़ी सी थिक रोटी बेलनी है। लेकिन इसको साइड्स में से इस तरीके से पतला कर देंगे, तो ये थिकनेस हमें चाहिए ढोकलियों की। तो अब इतना बेलकर हम इसमें से ढोकलियां कट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर ये एक मेरे पास किसी बॉटल की कैप थी उसको मैं यूज कर रही हूँ। आपके पास कोई भी इस आकार की, ऐसे थोड़ी सी छोटी अगर गोल कोई भी चीज हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि इस टाइप की कोई मसालेदानी की कटोरी। तो अब मैं इसके ऊपर इस तरीके से ये ढक्कन को रख के और प्रेस कर रही हूँ और मुझे ये बहुत ही सुंदर दिखने वाली यूनिफॉर्म गोल ढोकली मिल गई है। अब बस मैं इस पे भी बीच में एक होल कर दूंगी और ये हमारी एक ढोकली तैयार है। इसी तरीके से मैं और ढोकलियां बना लूंगी, तो इस प्रोसेस से आपको थोड़ी सी फास्ट और थोड़ी सी ज्यादा अच्छी दिखने वाली ढोकलियां मिलेंगी। अब हमारी ये ढोकलियां रेडी हैं, उस तरफ हमारी दाल रेडी है। तो अब हम इस दाल वाले कुकर को खोलेंगे, इसको थोड़ा सा हिलाएंगे जिससे कि दाल थोड़ी घुट जाए और उसके बाद हम इसमें ये ढोकलियां डाल देंगे। अगर आपको पानी कम लग रहा हो तो इस पॉइंट पर आप थोड़ा सा पानी और इसमें मिला दें आवश्यकता अनुसार। अब कुकर बंद करके हम इसको 3 से 4 सीटी आने तक पकने देंगे जिससे कि हमारी ढोकलियां भी अच्छे से पक जाए। अब 4 सीटी आने के बाद गैस को बंद करके हम कुकर को ठंडा होने देंगे। अब इसको खोलकर देख लेते हैं तो ये ढोकलियां अच्छे से पक चुकी हैं, दाल तो पहले ही पक गई थी। तो अब हमारी दाल ढोकली रेडी है, अब बस हमें इसमें एक छौंक लगाना है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे गरम मसाला पाउडर और बंद गैस में कुकर को ढक के 2 मिनट तक रख देंगे जिससे कि गरम मसाले की खुशबू इसमें बैठ जाएगी। अब इस दाल ढोकली को एक प्लेट में या सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और एक तरफ छौंक की तैयारी कर लेंगे। तो उसके लिए हम एक छौंक के बर्तन में घी गरम करेंगे। आप इसमें 2 तरीके से छौंक लगा सकते हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं, नहीं इसमें डालना चाहते हैं, तो आप सिर्फ हींग जीरे का छौंक लगाएं, और नहीं तो आप इसमें लहसुन, हींग और जीरे का छौंक लगाएं। दोनों ही छौंक बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अब ये घी गरम हो चुका है तो हम इसमें ये जीरा मिला देंगे। 10-20 सेकंड के बाद हम इसमें ये हींग पाउडर मिला देंगे। और अगर आप लहसुन यूज कर रहे हैं तो इसके बाद इसमें ये लहसुन मिला दें। अब हम लगभग 1.5 से 1 मिनट तक इन सबको एक साथ पकने देंगे जब तक लहसुन थोड़े से भूरे ना हो जाएं। इसके बाद इस छौंक में डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। आप चाहें तो इस हरी मिर्च को दाल ढोकली में ऊपर से भी डाल सकते हैं आखिर में, और या आप इस तरीके से उसे थोड़ा सा पका के डाल सकते हैं। अब आखिर में इस तड़के में हम डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर थोड़े और कलर और फ्लेवर के लिए। अब ये तड़का बिल्कुल रेडी है, इसको हम दाल ढोकली में मिला देंगे। अब फाइनली हम इस दाल ढोकली को गार्निश करेंगे ये कटे हुए प्याज से। इसके बाद इसमें डालेंगे ये टमाटर, ये थोड़ी सी और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, नींबू का रस और ताजा धनिया के पत्ते। तो अब ये दाल ढोकली बिल्कुल रेडी है। इसके साथ पापड़ बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप एक सिका हुआ पापड़ इसके साथ रखें, उसका स्वाद और भी दुगना हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप कि आपको ये राजस्थानी गुजराती डिश पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें विद द बेल आइकन। और मुझसे कोई भी सवाल पूछने के लिए या कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैसेज करें और फॉलो करें, जहां मेरा आईडी है अर्पिता स्पेस। हैप्पी लिविंग एंड हेल्दी लिविंग। बाय बाय।